सभी क्लास, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम हियर टू टीच यू अ न्यू साइंस टॉपिक फ्रॉम क्लास 6, चैप्टर नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं फिर से एक बार मेहता सर की क्लास में विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर, जो 6 क्लास की साइंस की बुक के पहले चैप्टर से है। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहां से आता है। एज ऑलवेज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। आई एम टीचिंग इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी फूड यानी भोजन करते हैं, भोजन का उपयोग करते हैं, लेकिन दिस चैप्टर इज अबाउट फ्रॉम वेयर वी गेट फूड, यानी व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड, व्हाट आर सोर्सेस ऑफ फूड, या फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हिंदी में हम ये इस चैप्टर में यह जानना चाहते हैं कि भोजन कहां से प्राप्त होता है, और उसके अलावा दूसरा प्रश्न हम ये कर सकते हैं कि भोजन यह कहां से आता है। लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी भोजन करते हैं, लेकिन हम जो भोजन करते हैं वो हमें कहां से प्राप्त होता है, उसका स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हम अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम अपना भोजन पेड़ पौधों और जानवरों दोनों से प्राप्त करते हैं। हिंदी में हम भोजन पादपों एवं जानवरों से प्राप्त करते हैं, यानी भोजन जो हम अपने दैनिक जीवन में अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए नित्य हमेशा प्रतिदिन करते हैं, वह भोजन हमें या तो पादपों, यानी पादपों का मतलब होता है पेड़ पौधे, या तो पादपों से प्राप्त होता है या जानवरों से प्राप्त होता है। सो अब हमें जब यह पता है कि हम पेड़ पौधे या जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो दूसरा प्रश्न बनता है, डू वी ईट सेम पार्ट ऑफ एवरी एडिबल प्लांट, यानी क्या हम सभी खाद्य पेड़ पौधों के एक ही भाग को खाते हैं। पेड़ पौधों के भाग से हमारा तात्पर्य है कि क्या हम सभी पौधों की पत्तियां ही खाते हैं, क्या हम पेड़ पौधों की जड़ें ही खाते हैं, या क्या हम सभी पेड़ पौधों के फल या तने को ही खाते हैं। तो इस जिज्ञासा के बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भोजन हम जो पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, वह पेड़ पौधों के किसी एक भाग से प्राप्त नहीं किया जाता है। अलग अलग भोज्य पदार्थ, अलग अलग खाद्य पदार्थ, डिफरेंट एडिबल फूड्स जो हम प्राप्त करते हैं, वो पौधों के अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, ये जानकारी बहुत अच्छी जानकारी है। हम सब्जियां रोज खाते हैं, लेकिन कौन सी सब्जी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, ये जानना भी बेहद आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू नो दैट विच वेजिटेबल कम्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ दैट प्लांट। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन ए पॉइंट हियर। सबसे पहले हम इस टॉपिक के इस दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लांट एज फूड, यानी हम प्रत्येक पौधे के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। हिंदी में हम पौधे के विभिन्न भागों का हो, या अलग अलग भाग का हो, या भिन्न भिन्न भाग का हो, एक ही बात है। हम पौधे के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब जब हमें यह पता चल गया कि हम पौधे के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अच्छा, सब एक बात मैं आपको और बता दूं, जो बुक में भी दी गई है, कि यदि आपको यह कहा गया है कि अपने आसपास के पौधों
ये खाद्य पदार्थ जिनसे हम, एक बात मैं बता दूं आपको कि जैसा किताब में कहा गया है कि अपने आसपास के पौधों में से किस बात को हम खाते हैं ऐसा प्रयास कीजिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर पौधा खाया जा सकता है। किताब में भी ऐसी चेतावनी दी गई है और यह मैं भी आपको बताना चाहूंगा, इट इज डेंजरस टू ईट एनी प्लांट विच वी डू नॉट नो, यानी उस पौधे को खाना हानिकारक है जिसे हम जानते ही नहीं है। तो इसका मतलब है इट शुड बी एन एडिबल प्लांट, यानी वह खाद्य पौधा होना चाहिए, खाद्य पौधा एडिबल प्लांट। आप कभी भी चिप्स या वेफर्स, कोई भी खाद्य वस्तु जो पैकेट में खाते हो उसके पीछे इनग्रेडिएंट दिए हुए होते हैं। इनग्रेडिएंट का मतलब होता है कि आप जो वस्तु खा रहे हो, जो भोजन कर रहे हो, वह किस किस चीजों से बना है। जैसे हम घर पे इडली बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिएगा, चावल, वाटर, वी नीड सम वाटर, हमें थोड़ा पानी भी चाहिएगा चावल को घोलने के लिए या जो वट एवर वी डू जो भी किया जाता है उसके साथ। और दाल बनाने के लिए हमें दाल भी चाहिएगी, उसमें डालने के लिए अलग अलग मसाले स्पाइसेस भी चाहिएंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी पैकेट के पीछे पढ़ोगे तो वहां एडिबल वर्ड यूज किया जाएगा, एडिबल साल्ट, एडिबल ऑयल। एडिबल का मतलब होता है खाद्य, यानी वह वस्तु जो खाने योग्य है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि हर पौधे को खाया नहीं जा सकता है या हर पौधे के किसी बात को खाया नहीं जा सकता है। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। Our next question is, from which part of plant we get vegetables and fruits? From which part of plant we get vegetables and fruits? यानी पौधों के किन भागों से हम सब्जियां एवं फल प्राप्त करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर या इस जिज्ञासा का उत्तर, उसका समाधान है यह तीसरा पॉइंट, जहां मैंने एक टेबल ड्रॉ की है। उस टेबल में दो फील्ड मैंने बनाए हैं। देयर आर टू कॉलम्स इन द टेबल। फर्स्ट कॉलम इज फूड प्रोडक्ट्स एंड सेकंड कॉलम इज पार्ट ऑफ प्लांट। हिंदी में इस सारणी का पहला कॉलम जो है उसमें खाद्य पदार्थ और दूसरा जो कॉलम है उसमें पौधे का भाग, वह खाद्य पदार्थ पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है यह बताया गया है। तो चलिए हम जानते हैं, विच फूड वी गेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कौन सा खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग। तो टेबल का फर्स्ट कॉलम में जो खाद्य उत्पाद हैं या जो खाद्य चीजें हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका नाम दिया हुआ है। और अगले कॉलम में वह किस पेड़ पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है यह बताया गया है। इसमें दोस्तों आपको एक कोई ना कोई नई जानकारी जरूर मिलेगी, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता है कि जो हम खा रहे हैं, जो सब्जी हम खा रहे हैं, वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। पहली जो सब्जियों का प्रकार है वो मैंने लिखा है रेडिस, कैरेट, बीट, यानी मूली, गाजर और चुकंदर। दोस्तों ये तीनों आपने देखे भी होंगे, खाए भी होंगे। यह पौधे का कौन सा भाग होते हैं? तो यह पौधे का रूट यानी जड़ होते हैं। मूली, गाजर, चुकंदर ये अपने पौधे का जड़ वाला भाग होते हैं। सेकंड नंबर पोटैटो, जिंजर यानी आलू और अदरक। आलू और अदरक ये पौधे का कौन सा भाग होती है? तो आलू और अदरक अपने पौधे का स्टेम यानी तना होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आलू जमीन में उगता है। हम सभी या अधिकतर लोग यह समझते हैं कि आलू जो होता है पौधे की जड़ होती है, लेकिन यह गलत है। आलू पौधे का तना होता है।
वह होता जमीन के अंदर है और जड़ के जस्ट ऊपर होता है, लेकिन यह तने का सबसे निचला हिस्सा होता है जो हम खाते हैं आलू के रूप में। जिंजर यानी अदरक यह भी अपने पौधे का तना होता है, यह भी पाई तो जमीन के अंदर पाई जाती है लेकिन यह पौधे की जड़ नहीं है। जिंजर इज द स्टेम ऑफ दैट प्लांट, यानी अदरक अपने पौधे की तना होता है। नेक्स्ट स्पिनच और कैबेज यानी पालक और पत्ता गोभी। दोस्तों पालक और पत्ता गोभी हमारी सब्जियों में हमारे घरों में प्रतिदिन या अक्सर खाई जाती है, लेकिन यह पौधे का कौन सा भाग होती है? लीव्स यानी पत्ती। पालक और पत्ता गोभी यह पौधे की पत्तियां होती है, अपने पौधे का पत्तियों वाला भाग होता है जो हम तोड़ के खाते हैं। नेक्स्ट कॉलीफ्लावर, क्या आपने सोचा है कि हम सब्जियों में कभी फूल को भी खाते हैं? यस वी ऑल नो दैट बाय सेम नेम, यानी जो उसके नाम में ही फूल होता है गोभी, फूल गोभी। जी हाँ दोस्तों, फ्लावर पार्ट है फूल गोभी। कॉलीफ्लावर इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं, इसमें भी फ्लावर आया हुआ, और हिंदी में फूल को भी कहते हैं उसमें भी फूल आया हुआ, यानी ये क्लियर है कि ये अपने पौधे का फ्लावर पार्ट यानी फूल वाला भाग है जिसे हम खाते हैं। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि Do you know we eat many parts of some plants? यानी क्या आप जानते हैं कि हम पौधों के एक से अधिक भाग भी खाते हैं? यानी कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनका एक ही भाग नहीं, उसके दो भाग, उस पौधे के दो भागों को हम अलग अलग प्रकार से खाते हैं। जी हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर है या इस तरह के पौधे का उदाहरण है मस्टर्ड यानी सरसों। We eat leaves of mustard as vegetable, यानी हम सरसों के पौधे की पत्तियों को सब्जी के रूप में खाते हैं। जैसे आपने सुना होगा पंजाब की फेवरेट मक्के की रोटी और सरसों का साग। जी हाँ, सरसों के पौधे की यानी मस्टर्ड प्लांट की लीव्स पत्तियां हम सब्जी के रूप में खाते हैं, और उस पौधे के बीज यानी सीड्स मस्टर्ड सीड्स से हम ऑयल यानी तेल प्राप्त करते हैं जो बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में यूज किया जाता है सरसों का तेल। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पौधे के दो भागों को हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं। सरसों के तेल को भी सब्जियां बनाने के लिए काम में लिया जाता है और जो बहुत पौष्टिक और अच्छी भी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो ये जानकारी भी बहुत जरूरी है। सिक्स क्लास के इस चैप्टर के आज के टॉपिक में बस इतना ही, लेकिन इसके आगे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट आउट करके पूरे पार्ट का सार समझ सकते हैं। मैं आपके सामने किताब लेकर पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं किताब के पन्नों में से जो पूरा सार होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, वह आपके सामने पेश कर रहा हूं। और यदि आप इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं इनको समझ लें तो आप पूरा पाठ समझ जाएंगे। उतनी डिटेल्स आपको समझने की जरूरत नहीं है, उतनी डिटेल्स आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।